हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज सागर शुक्ला एंड वेलकम टू आवर ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एजुकेशनल हाइक्स पावर्ड बाय सितार क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की क्लास है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। आज की क्लास में क्लास 10th चैप्टर 2nd मैथ का पॉलीनोमियल हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट क्लास 9th के बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि क्लास 9th का भी जो सिलेबस है मैथ का 2nd चैप्टर, उसमें भी पॉलीनोमियल है। तो आप पॉलीनोमियल चैप्टर के सारे क्वेश्चन एक इजी वे में और बहुत अच्छे ढंग से कर पाएँ, उसके लिए ज़रूरी है आपको एकदम बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज का होना। तो बिल्कुल हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरा करेंगे और सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। पॉलीनोमियल की अगर बात की जाए, सबसे पहले हम लोग पॉलीनोमियल क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और बाकी सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में हम लोग करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, बट उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता होती और फिर इसका जो रिजल्ट होता है उनको मैथ लगता है कि बहुत टफ सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता है। तो मैथ जो है ना बेटा, ये समझने वाला सब्जेक्ट है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मुझे लगता है कि सबसे आसान सब्जेक्ट जो होता है मैथ ही होता है। तो पॉलीनोमियल समझने के पहले आपको थोड़ा सा जो आपका प्रीवियस नॉलेज है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा उसका टेस्ट ले लिया जाए। तो चलिए देखते हैं भाई, पॉलीनोमियल समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद बाकी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल क्वांटिटीज एंड कांस्टेंट क्वांटिटीज, ठीक है, एल टुगेदर इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, ऐसी क्वांटिटीज जो जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती उन्हें हम लोग वेरिएबल क्वांटिटीज बोलते हैं, एक्स वाई जेड पता है। कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज क्या होते हैं, क्वांटिटीज विच हैज फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी एक फिक्स वैल्यू होती है। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जितने भी नंबर होते हैं 1, 2, 3 एंड वन, ठीक। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब हम लोग वेरिएबल या कांस्टेंट क्वांटिटी को एक साथ लिखते हैं, आप कुछ भी आप लिख दो, आपने एक्स लिख दिया, एग्जाम्पल अगर देखा जाए 2x + 3 आपने लिख दिया, x² + 1/x, x^(1/2+3 एट्सेट्रा। तो आपने वेरिएबल और कांस्टेंट क्वांटिटी को आप किसी भी तरीके से आप लिख दो, वो क्या कहलाएगा बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए और कोई कंडीशन नहीं, आप कुछ भी वेरिएबल कांस्टेंट को एक साथ लिख दो हो जाएगा। चलिए, तो ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ आपको, हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ कि आपको मैं फर्क समझा पाऊँ कि पॉलीनोमियल क्या होगा, ठीक है। तो पॉलीनोमियल जो होगा ये हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल नहीं होता, उसका कंडीशन क्या होता है, क्या कंडीशन होता है, अब इसको हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो पॉलीनोमियल क्या होता है अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, तो ये यहाँ पर पॉलीनोमियल का डेफिनेशन है, समझते हैं इसको हम लोग अच्छे से, ठीक है। लिखा हुआ है, असच टाइप ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इज कॉल्ड पॉलीनोमियल। बेटा हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल नहीं होता, उसके लिए कंडीशन क्या लिखा है मैंने, पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल कहलाएगा जिसका पावर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्लियर। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हो, x² + 2x, x^(3+4x, x²-4x+5, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो वेरिएबल यूज हुआ है, आप वाई जेड कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप पावर देखोगे वेरिएबल का 2 है, यहाँ पर 1 है, 3, 1, 2, तो कुल मिलाकर आप उसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलीनोमियल बोल सकते हो जिसका पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, इतनी सी बात, ठीक है। तो और बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं, कुछ और इसका जो इससे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पर आगे मैंने डिस्कशन किया हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पर नोट्स में क्या आपको याद रखना है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई PX PY, ठीक है, PZ। तो इस फॉर्म में हम लोग पॉलीनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको याद रखनी है, पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलीनोमियल नेवर विल बी अ निगेटिव आर फ्रैक्शनल। तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर पावर वेरिएबल का निगेटिव में होगा या फ्रैक्शन में होगा, क्लियर, तो वो पॉलीनोमियल नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए यहाँ पर, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग और करने वाले हैं, x^-2+3, x^(1/2+6, तो ये सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलीनोमियल नहीं, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो बेटा ये कुछ एग्जाम्पल हम लोगों यहाँ पर लिए हैं, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे तब आप कन्फर्म हो पाओगे कि हम हर तरह के क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉलीनोमियल हैं और एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिल जाते हैं, तो
तो मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखा हूँ और आपको बताना है इसमें कौन सा पॉलीनोमियल है कौन सा नहीं है, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो पाए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर भाई। पहला जो है फर्स्ट वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, तो बस छोटा सा कंसेप्ट था कि पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हो यही देखना है। वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर अगर है तो पॉलीनोमियल होगा, और अगर फ्रैक्शन में होगा निगेटिव में होगा तो नहीं होगा, बाकी और कुछ नहीं देखना आपको। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका पावर क्या है, पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स का पावर कितना है, 1 है। तो ये बिल्कुल क्या है, पॉलीनॉमियल है, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर आप बताओ, देखिए स्क्वायर रूट के बारे में आप लोगों को पता होगा, क्योंकि इसको अगर हम पावर में अगर रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो कैसे लिख पाएंगे इसको हम लोग, एक्स टू द पावर 1/2 + 1/2। तो जब हम स्क्वायर रूट को पावर में रिप्रेजेंट करते हैं तो पावर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2। आई होप कि आपको इसके बारे में पहले से आइडिया होगा, पता होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको ये पता चल पा रहा होगा कि ये पॉलीनॉमियल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था भाई पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्लियर, चलिए इसको अगर हम लोग देखें तो ये तो पहले तो अगर फर्स्ट व्यू में अगर आप देखोगे इसको तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये नहीं है ना, बट ऐसा नहीं है। पॉलीनॉमियल पहचानने के पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। अब क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस ये कि अगर कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो हमें उसको पहले ऊपर लेकर जाना है, ठीक है, उसके बाद बताना है कि वो पॉलीनॉमियल है कि नहीं। जब इसको आप ऊपर लेकर जाओगे तो बाई लाज ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में कि किसी भी कोई भी नंबर अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो उसको हम ऊपर से चाहे नीचे लाएं या नीचे से ऊपर लेकर जाएं तो उसका पावर का साइन क्या होता है बेटा, चेंज होता है। तो अगर इसको आप ऊपर लेकर जाओगे तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 2 + 5, है ना। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि पावर क्या है, पॉजिटिव है, इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, आपका पॉलीनॉमियल होगा। नेक्स्ट अगर बात करें भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर अगर आप सेम लॉजिक लगाओगे जो मैंने बताया कि सर बोल रहे हैं भाई इसको ऊपर लेकर जाना है, तो यहाँ पर एक्स होगा ना ये एक्स टू द पावर -2 + 5, ये एक टर्म है, तो जब आप इसको ऊपर लेकर जाओगे तो एक साथ ऊपर जाएगा, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल एक्स नहीं जाएगा ऊपर, अगर आप इसको ऊपर लेकर जाओगे तो ये एक साथ जाएगा +5 होल पावर -1, इस तरीके से होगा। तो इससे हमारा कोई बहुत ज़्यादा फायदा हुआ नहीं, इट मीन्स कि इसका जो पावर है वो निगेटिव में यहाँ पर भी था वहाँ पर भी है, तो ये आपका पॉलीनॉमियल नहीं होगा। क्लियर, चलिए अगला जो एग्जांपल यहाँ पर लिया है मैंने, ये तो इसमें कोई बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं, पावर फ्रैक्शन में। इसको अगर आप देखोगे a - ba + b, आई होप कि आप फार्मूला पढ़े होगे a² - b² का, ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा a² - b², तो √x² हो जाएगा बेटा, ये -1² आप करोगे तो रूट के ऊपर अगर स्क्वायर लगाया तो रूट कैंसिल होता है, क्या हो जाएगा एक्स और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो अगर ये सारे एग्जांपल आपको समझ में आ गए हैं तो आई होप कि पॉलीनॉमियल क्या होता है ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है आपको। अब इसके बाद देखते हैं भाई नेक्स्ट डिग्री। ठीक है, डिग्री क्या होता है पता होगा आप लोगों को, ठीक है, बहुत ही आसान है। ये लिखा है यहाँ पर क्या भाई, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलीनॉमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल। तो डिग्री कुछ नहीं होता है, किसी भी पॉलीनॉमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है पॉलीनॉमियल का उसे ही हम लोग एक नया नाम देते हैं, क्या, डिग्री। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे बेटा यहां पर मैंने दिया 2x², चलिए यहां पर एग्जाम्पल ले रहा है 2x² + 7x + 5। तो यहां से अगर मैं पूछूं भाई कि डिग्री क्या होगा इसका, है ना, अगर मैं आपसे पूछूं डिग्री क्या होगा इसका, तो बिल्कुल आसान है, हाईएस्ट पावर क्या है भाई, 2 है, तो हो जाएगा इसका डिग्री कितना, 2 हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। चलो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर, x^15 - x^3 + 1/2। क्लियर, तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डिग्री क्या होगा तो आप बता लोगे, बिल्कुल आसान है, हाईएस्ट पावर क्या है इसका, 15 है, तो इस पॉलीनॉमियल का जो डिग्री होगा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको सारी चीज़ें, तो ये हो गया डिग्री। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलीनॉमियल, पॉलीनॉमियल के कितने टाइप्स होते हैं तो ये हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीनॉमियल, तो आप क्या पूछोगे उससे भाई, किस बेस पर बताना है, टर्म के बेस पर या डिग्री के बेस पर। तो हम लोग दोनों तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि पॉलीनॉमियल डिग्री के बेस पर कितने होते हैं और टर्म के बेस पर कितने होते हैं। क्लियर है, चलिए टाइप्स ऑफ पॉलीनॉमियल की बात की जाए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देखिए जब सारी चीज़ें आप एकदम सिस्टमेटिक में पढ़े रहोगे तब आप बिल्कुल अंदर से कॉन्फिडेंट फील करोगे आप। तो टाइप्स ऑफ पॉलीनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कितने टाइप्स होते हैं पॉलीनॉमियल, देर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलीनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले अगर बात की जाए फर्स्ट, ठीक
ठीक है, लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है बेटा, अ पॉलिनॉमियल हैविंग डिग्री वन इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल। अभी डिग्री हम लोग ने पढ़ा हुआ है भाई, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका डिग्री क्या हो, वन हो, उसे ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल के नाम से जानते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, x प्लस फाइव एक्स प्लस वाई प्लस जेड टू एक्स प्लस वन बाई टू, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका सबका पावर क्या है, वन ही है। तो इसका मतलब अगर हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर का मतलब डिग्री हम बोल सकते हैं, तो किसी भी पॉलिनॉमियल का अगर डिग्री अगर वन है तो उस पॉलिनॉमियल को हम लोग एक स्पेसिफिक नाम दिए, क्या क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल। तो अगर इस तरीके का पॉलिनॉमियल देख आपको मिल जाए कहीं पर, तो उसको हम लोग डिग्री के बेस पर क्या कह सकते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल। क्लियर, चलिए तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगर सेकंड अगर बात की जाए भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की, ठीक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होगा, आप पॉलिनॉमियल हैविंग डिग्री टू, बहुत ही आसान है। किसी भी पॉलिनॉमियल का अगर डिग्री टू होता है तो उसे हम लोग किस नाम से बुला सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो बहुत सारा एग्जाम्पल आप बना सकते हो, टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सिक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हो, बस देखना क्या है यहाँ पर, जो डिग्री है कितना होना चाहिए, टू, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, तो डिग्री टू होगा तो उसे हम लोग किस नाम से बुलाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के नाम से बुलाएंगे। क्लियर है। थर्ड जो आपका होगा बेटा ये होगा क्यूबिक पॉलिनॉमियल, है ना, तो ये भी बिल्कुल आसान हो गया। क्या होता है भाई, अगर डिग्री थ्री है तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हो, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स फाइव एक्स क्यूब माइनस एट एक्स प्लस सिक्स एट्सेट्रा, ऐसे बहुत सारा आप एग्जाम्पल बना लोगे। तो अगर डिग्री थ्री है तो ऐसे पॉलिनॉमियल जिनका डिग्री थ्री होगा उन्हें हम लोग किस नाम से बुला सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब अगर कोई भाई ये पूछता है कि ठीक है अगर डिग्री वन है, टू है, थ्री है तो नाम हो गया, अगर डिग्री मोर देन थ्री है तब उसका नाम क्या होगा, तो घबराने वाली बात नहीं है भाई, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका डिग्री मोर देन थ्री होगा तो उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, उसे हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, पॉलिनॉमियल ही कह सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग ये डिग्री के बेस पर पॉलिनॉमियल क्या होता है ये हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है, और अब इसके बाद हम लोग टर्म के बेस पर देखते हैं, ठीक है, टर्म के बेस पर हम लोग देखते हैं। चलिए तो टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टर्म, तो टर्म के बेस पर कितने टाइप्स होंगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट मोनोमियल, सेकंड बायनॉमियल, थर्ड ट्राइनॉमियल। टर्म मुझे लग रहा है कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा टर्म क्या होता है, प्लस या माइनस साइन के साथ जब हम क्वांटिटीज़ को अलग करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, टर्म। जैसे थोड़ा सा इस देख लो यहाँ पर, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस वन बाई टू, तो यहाँ पर कितने टर्म हो जाएंगे, तीन टर्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे टर्म के बारे में, ठीक है। चलिए तो ये टर्म हो चुका है। अब मोनोमियल क्या होता है, बायनॉमियल क्या होता है, ट्राइनॉमियल क्या होता है, तो मोनोमियल की अगर बात की जाए, अ पॉलिनॉमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, अ पॉलिनॉमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। भाई ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो तो उसे हम लोग किस नाम से बुला सकते हैं, मोनोमियल। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, ठीक है, तो 2x 1 बाई टू एक्स वाई जेड एक्स पावर 13 आप कुछ भी ले सकते हो, x पावर 9। अब यहाँ पावर से तो कोई मतलब है नहीं, हमें सिर्फ देखना है एक टर्म हो बस, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। चलिए बायनॉमियल की अगर बात की जाए, बायनॉमियल क्या होता है, पॉलिनॉमियल हैविंग ओनली टू टर्म, भाई ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें क्या हो, सिर्फ दो ही टर्म हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बायनॉमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स पावर फाइव माइनस वन बाई टू एक्स। चलिए तो अब यहाँ पर क्या है भाई, आपको सिर्फ दो टर्म अगर दिख रहा है किसी भी पॉलिनॉमियल में, अगर सिर्फ और सिर्फ दो टर्म है तो टर्म के बेस पर उसका हम लोग नाम क्या रख सकते हैं, बायनॉमियल। तो ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। ट्राइनॉमियल की अगर बात की जाए,
तो ट्राइनोमियल क्या हो जाएगा भैया, पॉलीनोमियल हैविंग ओनली थ्री टर्न, भैया ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें क्या और सिर्फ तीन ही टर्न है, तो उसे हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस वन बाई टू, ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से भी ले सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ अगर तीन टर्म है, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, ट्राइनोमियल बोला जाएगा। चलिए, और अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे इफ एनी पॉलीनोमियल हैज मोर देन थ्री टर्म देन व्हाट विल बी, देन व्हाट वी कैन सी, हम क्या कर सकते हैं भाई, तब उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ पॉलीनोमियल ही आप बोलोगे। अगर तीन से ज़्यादा टर्म है तो सिर्फ और सिर्फ पॉलीनोमियल होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया भाई पॉलीनोमियल क्या होता है और पॉलीनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं, ये सब हम लोग समझ गए हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं भाई। चलिए, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है। अब नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ पूरा है, जीरोज़ा पॉलीनोमियल क्या होता है उसको हम लोग करेंगे, और बचा हुआ जो टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो बचा हुआ पूरा टॉपिक है कवर हो जाए। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है इसके बाद में कराऊंगा। नाइन्थ और टेंथ के बच्चे, दोनों क्लास के बच्चे अपना देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आपका जो बचा हुआ पूरा सिलेबस है मैं कोशिश करूंगा कि हो जाए। और साथ में आपका थोड़ा सा ये भी हमें फीडबैक चाहिए कि आप पूरे चैप्टर को बेसिक से पूरा कंप्लीट करना चाहते हो, चैप्टर वाइज पूरा जो भी है, या आपके अगर कोई ऐसे चैप्टर्स हैं, ठीक है, क्योंकि आपका हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है, तो उसके बेस बिहाफ पर अगर आपको लग रहा है कुछ चैप्टर में जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उन चैप्टर को हम पहले कर सकते हैं। अगर एक कमेंट में आप बताओगे कि ये चैप्टर मुझे पहले करवा दिया जाए, या आपके पास थर्ड ऑप्शन ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम कराएं, तो जिस तरीके से आपको चाहिए होगा वीडियोस आप कमेंट में बता सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका नेक्स्ट जो होगा वीडियो उसी से रिलेटेड हो, ठीक है। आई होप का आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।